हाय फ्रेंड, मैं हूं केदार। वेलकम टू माय चैनल गदा मेथड। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का एक पार्ट, जो इसको इम्पोर्टेंट मानते हैं। इसको सिंपल टू कंपाउंड एंड कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स तक हमको जाना है और वाइस वर्सा। एक छोटा सा डिक्लरेशन करना था सर, जो क्वेश्चंस डिस्कशन होती है या जो सेट डिस्कशन होता है एग्जाम पैटर्न का, वो पता नहीं चल पाता कौन सा क्वेश्चन है और क्या सेट है। मैंने क्या करा ना, आज से रेगुलर मैंने हर दिन अपना फेसबुक पेज में एक एक सेट एएसओ का हो, चाहे ओएसएससी का हो, जितने एग्जाम्स है करंट पैटर्न का, चाहे एसएससी का हो, चाहे ओपीएससी का हो, कोई भी एग्ज़ाम आपका कमिंग्स होगा, वो सारे एग्जाम का क्वेश्चन का पीडीएफ मैंने अपना फेसबुक पेज गधा मेथड्स में छोड़ दूंगा। मेरा फेसबुक पेज को लाइन करिए, उसमें आपको एक दिन पहले क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट डे उसी क्वेश्चन को हम रिलीज कर देंगे डिस्कशन करके, ये आपके लिए बेनिफिट होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन डिस्कशन को, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन को। नंबर वन सर, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन हिसाब से हमको डिस्कशन करना है। पहला इंस्ट्रक्शन दिया है कि इसको कंपाउंड बनाना है, इसका मतलब सेंटेंस सिंपल में है या कॉम्प्लेक्स में है। देखो इसमें जो पर्टिकुलर वर्ड है या सब्जेक्ट है वो एक ही है, तो इसीलिए इसको हम क्या मानेंगे ना, इसलिए इसको हम सिंपल सेंटेंस मानते हैं। तो इसको सर अगर आप कंपाउंड बनाएंगे तो उसको तोड़ देना है, कुछ नहीं। द टीचर पनिश द बॉय फॉर डिसोबीडेंट, ये सिंपली अगर बनाएंगे क्या होगा ना, द बॉय वॉज डिसोबीडेंट एंड सो, ये यही जुड़ेगा, सो दैट नहीं, एंड सो द टीचर पनिश्ड हिम। यहाँ पे द बॉय नहीं जोड़ना, क्योंकि स्टार्टिंग में द बॉय ऑलरेडी जोड़ चुके हैं। क्या लिखेंगे, द बॉय वॉज डिसोबीडेंट, बंदा बड़ी डिसोबीडेंट था इसलिए टीचर उसको पनिशमेंट दिए। ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस, खाली तोड़ देना है, दो सब्जेक्ट ला देना है। देखो इसका आंसर नीचे दे रखे है, बॉय देखो इधर डिसोबीडेंट था सब्जेक्ट है, दूसरा सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है ना, टीचर है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा वाला भी सेम चीज दिया, कन्वर्ट टू कंपाउंड। देखो इसमें सब्जेक्ट एक ही है और इसको हम क्या नाम देंगे ना, इसको भी हम सिंपल का नाम देंगे। सर इसको क्या बनाना है ना, इसको कंपाउंड बनाना है। कंपाउंड अगर बनाएंगे तो इसको सिंपली तोड़ देना है, क्या तोड़ेंगे ना, वो जोर जोर ऊपर भाग गया तो उसका ब्रीथ कंट्रोल नहीं हुआ, यही है। तो इसका मतलब बीच में क्या आएगा, सो, तो सेंटेंस क्या होगा ना, सेंटेंस होगा ही रैन एट द टॉप। सर ही कहाँ से लाए ना, यहीं से लाए ही, इसका सब्जेक्ट जो है यहाँ पे एक ही पर्सन का बात की जा रही है, ही रन एट द टॉप सो ही गॉट आउट ऑफ द ब्रिज, ये होगा आंसर। खाली बीच में जोड़ देना और रनिंग का जगह पे क्या जोड़ देना ना, ही रन जोड़ देना। देखो इसका आंसर भी नीचे मैंने दे रखा हूँ आपके लिए, ही रन एट द टॉप स्पीड सो ही गॉट आउट ऑफ द ब्रिज, ये है उसका आंसर। तो इसका मतलब है कि सर इसको खाली तोड़ देना है, इसको डिवीजन कर देना है ताकि ये कंपाउंड बन जाए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन क्या दिया, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन है सेम चीज, इसको भी कंपाउंड बनाना है। चलिए देखते हैं कंपाउंड कैसे बनाएंगे ना, बाय हिज प्रेजेंट मैनर ही गेंड। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट भी एक ही है, इसका मतलब ये भी सिंपल में है। इसको अगर कंपाउंड बनाएंगे तो इसको खाली तोड़ देना, कैसे तोड़ेंगे, ही हैज प्रेजेंट मैनर्स एंड ही गेंड मेनी फ्रेंड्स बाय, जो भी हैं खाली ही हैज बीच स्टार्टिंग में जोड़ देना ताकि सेंटेंस सही हो जाएगा। देखो नीचे सेम ही चीज लिखा गया, देखो ही हैज जोड़ दिए हमने, बीच में एंड जोड़ दिए, तो सो यहाँ पे देयर फोर, सो हटा के देयर फोर जोड़ दिया, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, उसका बढ़िया कैरेक्टर है इसीलिए वो बहुत सारे दोस्त बना पाता है, ये उसका फंडा है। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, थोड़ा स्पीड हो जा रहा है तो बोलिएगा, मैं धीरे कर दूंगा, कमेंट्स में पक्का लिखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में लिखा गया, टेलिंग टुक ऑफ हिज क्लॉक पोलाइटली प्लेस्ड इट इन द मड, इसका मतलब सब्जेक्ट एक ही है, इसका मतलब ये भी सिंपल में है। इसको अगर आप सेपरेट करोगे तो ये बीच में एंड जोड़ देना, तो ये टुक ऑफ किया उसका बाद प्लेस्ड इट इन मडी प्लेस, ये बाकी जो है खाली इसी जगह पे हमने क्या जोड़ देंगे,
एंड जोड़ देंगे, कोई एक्स्ट्रा काम हमको नहीं करना चाहिए। सर ही तो लाना पड़ेगा क्योंकि दो सब्जेक्ट चाहिए, यहाँ पे दो सब्जेक्ट नहीं चाहिए, सेंटेंस एक ही क्या बारे में बता जा रहा है। जैसे हम लोग लिखते हैं राम इज अ टीचर एंड ए डॉक्टर एज वेल, इसी तरह सेंटेंस ये बनेगा। तो ये सेंटेंस आंसर होगा ही टुक ऑफ हिज क्लॉक लाइटली, ये होगा पहला पार्ट। दूसरा वाला पार्ट यहाँ पे टेकिंग नहीं होगा, टुक ऑफ होगा, इसको याद रखिएगा। दूसरा पार्ट बीच में एंड जोड़ के, एंड का पीछे देखो टुक है तो आगे प्लेस्ड बिल्कुल रहेगा, उसका बाद मजिस्ट्रेट में रख दिया, ये होगा आंसर। देखिए आंसर नीचे क्या है, सेम चीज दिया गया, बीच में क्या जोड़ दिया, एंड जोड़ दिया। देखो यहाँ पे टेकिंग का जगह पे टुक जुड़ा है। सर क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया ना, इसमें थोड़ा टेढ़ा नहीं दिया क्योंकि सर सेंटेंस कंपाउंड बनाने बोला है, मैंने बहुत कुछ सेंटेंस आपको बोल दिया कंपाउंड सेंटेंस कन्वर्ट करने, आप बताओ फिर कैसे कन्वर्ट करें इसको ना। इफ़ यू डोंट टेक एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो आपको दिक्कत होगा। सेम चीज यहाँ पे बीच में अदरवाइज जोड़ दो, यहाँ पे अदरवाइज जोड़ दो ना, सेंटेंस होगा टेक एक्सरसाइज अदरवाइज यू विल बी इल, ये होगा उसका आंसर। सर ये कहाँ गया ना, इसी के लिए हमने ये जोड़ दिए, करो नहीं तो आपको दिक्कत होगा, इसका मतलब भी नहीं तो, इसलिए इफ डोंट हट जाएगा। सर यू दोबारा क्यों नहीं लाए ना, सब्जेक्ट एक ही का बारे में बताया जा रहा है तो इसलिए यहाँ पे एक ही बार चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सर क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया ना, क्वेश्चन नंबर 6 दिया द मोमेंट व्हिच इज लॉस्ट, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया, हमको सिंपल बनाना है तो हम व्हिच को काट देंगे और अब इज को भी काट देंगे, फिर सर क्या जोड़ देंगे ना, यहाँ पे वंस जोड़ दो तो सेंटेंस क्या हो गया, द मोमेंट वंस लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर, देखो सिंपल सेंटेंस हो गया। इसका मतलब है ये जो कंजक्टिव वर्ड मैंने हटा दिया तब ये सिंपल सेंटेंस हो गया। देखो आंसर वही लिखा नीचे, क्या लिखा, द मोमेंट वंस लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर, ये होगा उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में यह दिया गया पर्टिकुलरली सेल्फ मेड मैन आर ऑलवेज रेस्पेक्टेड, इसको कॉम्प्लेक्स बनाया है। सर कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे ना, रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ दो, डब्ल्यू एच वर्ड जोड़ दो, डब्ल्यू एच वर्ड जोड़ेगा तो कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, द मैन हु, इसी तरह जोड़ दो, उसका बाद हु ई जोड़ना, फिर क्या होगा सेंटेंस, द मैन हु आर सेल्फ मेड आर ऑलवेज रेस्पेक्टेड, ये खाली जोड़ देंगे तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सिंपली आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें कोशिश करिएगा डब्ल्यू एच वर्ड जोड़ देने ताकि आपको ईजी हो जाए, जो लोग सेल्फ मेड हैं उनको हमेशा रेस्पेक्ट, वो हमेशा रेस्पेक्टेड है, ये है उसका आंसर। देखो नीचे वही दिया, द मैन हु आर सेल्फ मेड आर ऑलवेज रेस्पेक्टेड, कोई दिक्कत नहीं, दो चार क्वेश्चन कर दीजिएगा तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मैं जानबूझ के इसमें थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन डाला क्योंकि ईजी क्वेश्चन तो सबको आता है। सर इसमें दिखा गया वी विल नॉट पे अनलेस यूज किया गया, तो इसको ये सिंपल बनाने यूज किया, अगर अनलेस यूज किया गया इसको अगर सिंपल बनाएंगे तो यहाँ पे नॉट हटा दो अनलेस भी हटा दो, सेंटेंस क्या हो गया, ही विल पे ओनली जोड़ दो, ओनली अंडर, मैंने आपको बताया था ओनली केस, आप थोड़ा एपिसोड देख लीजिएगा कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो क्या होगा, क्या सेंटेंस होगा, ही विल पे ओनली अंडर कंपल्सन, क्योंकि ये दो सेंटेंस हमको नहीं चाहिए, हमको सिंगल सेंटेंस बनाना है अंडर कंपल्सन, ये होगा उसका आंसर। तो क्या होगा सेंटेंस, ही विल पे ओनली अंडर कंपल्सन, देखो सिंगल सेंटेंस हो गया और ये सिंपल सेंटेंस हो गया। देखो इसमें ही है, इसमें ही है, डबल जोड़ना जरूरी नहीं है, पहले नॉट अनलेस को हटा दो, अगर इसको सिंगल सेंटेंस बनाना है, He will pay under compulsion. थोड़ा difficult level है, ध्यान दीजिएगा, फिर बाद में मैंने सोचा कि ये question आपको करा दूँ ताकि ये question भी आज आएगा तो आप बना सकते हो, एक एक बार आपका दिमाग में आना चाहिए, आप आराम से बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं। In the absence of a cat, the mice will pay. देखो यहाँ पे इन द ऑप्शन ऑफ कैट, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाने बोला, कॉम्प्लेक्स बनाने आपका पास बेस्ट वर्ड क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड, जब ये नहीं था तब ये खेला, जब मतलब क्या है, व्हेन जोड़ दो, तो क्या होगा, द माइस विल प्ले व्हेन
द कैट इज एब्सेंट, ऐसे लगा देना। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये होगा उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू थिंक ना, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया, द एवरी वन सरप्राइज द एंटरप्राइजेस कंप्लीटली फेल। ये जो सेंटेंस लिखा है इसको कंपाउंड बोलने बोला। सर कंपाउंड अगर बनाओगे तो सेंटेंस को तोड़ मोड़ देना पड़ेगा, तो सेंटेंस को कैसे तोड़ मोड़ देंगे देखिएगा ना, इसको पलटा दो। द एंटरप्राइजेस कंप्लीटली फेल्ड यहाँ पे, एंड इट इज सरप्राइज एवरी वन, ये हो गया सेंटेंस। इट इज सरप्राइज एवरी वन, बट सेंटेंस जोड़ेंगे तो थोड़ा टेढ़ा सुनाई दे रहा है, तो क्या होगा, द एंटरप्राइजेस कंप्लीटली फेल्ड एंड इट सरप्राइज एवरी वन। इतना बड़ा एंटरप्राइजेस था, फेल हो गया, तो उसी तरह कॉन्सेप्ट में सबको सरप्राइज किया। तो कंजक्टिव बॉडी क्या हो गया इसमें ना, एंड हो गया। देखो नीचे वही लिखा, द एंटरप्राइजेस कंप्लीटली फेल्ड, जो पीछे वाला सेंटेंस था मैं पहले लिख दिया, और बीच में क्या जोड़ दिया, एंड जोड़ दिया। एक चीज आप मार्क करिएगा, जब हमें नहीं आता या दिमाग में कुछ नहीं बनता तो सेंटेंस को इन्वर्स करके मारो। सर मतलब इन्वर्स क्या ना, इसको पलटा दो, पीछे वाला आगे ला दो, आगे वाला पीछे ले दो, देखो दिमाग में वर्ड आ ही जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़े, ज्यादा टाइम में वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। ही वॉज वेरी टायर्ड बट ही केप्ट ऑन वॉकिंग। बट जुड़ा मतलब इसकी ये कोई दूसरा कैटेगरी में है, इसका मतलब इसको क्या जोड़ना है, सिंपल जोड़ना है। तो इसका मतलब हम बट का जगह पे सिंपल में पहला क्वेश्चन हमने किए थे एग्जाम्पल में, देखिएगा इन स्पाइट ऑफ जोड़ देंगे तो क्या होगा। लिखा ही वॉज वेरी टायर्ड बट काम किया, टायर्ड होने का बावजूद भी वो काम किया, तो क्या सेंटेंस होगा, इन स्पाइट ऑफ बीइंग टायर्ड ही केप्ट ऑन वॉकिंग, ये होगा सेंटेंस। देखो सेंटेंस वही लिखा, जैसे कि इन स्पाइट ऑफ क्यों जोड़े ना, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसका मतलब भी वही है, होने का बावजूद वो काम कर रहे हैं, इसका मतलब एडिशन इंक्लूडिंग सेंस में यूज करते हैं। तो इसी तरह इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी टायर्ड ही केप्ट ऑन वॉकिंग, देखो इन स्पाइट ऑफ स्टार्टिंग में जोड़ दिया, बाकी जो टायर्ड तो है ही है, इसका बावजूद वो काम किया, ये होगा उसका आंसर। इसको याद रखिएगा, बट का सेंस में आप सीधा इन स्पाइट ऑफ जोड़ सकते हैं, बहुत इजी है। मैंने इसका क्वेश्चन एग्जाम्पल दिया जो पिछले वाला चैप्टर का नंबर वन सेंटेंस का एग्जाम्पल है। ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, मैंने जानबूझ के आपके लिए रखा था ये क्वेश्चन, आपको कराने के लिए मैंने इसको कराऊंगा। नीचे देखिए सर, ये क्वेश्चन है ही साइलेंट प्रूव हिज गिल्टी, इसका मतलब सब्जेक्ट आपका ही है, इसको फिर कॉम्प्लेक्स बनाने बोला। कॉम्प्लेक्स मतलब TH नहीं तो WH वर्ड जोड़ दो, कोई अगर दिमाग में नहीं आता है तो जोड़ते हैं। क्या जोड़ेंगे ना, हिज साइलेंस प्रूव्स, ये तो रहेगा, बीच में क्या लगा देंगे दैट, ये हो गया सेंटेंस सेपरेट। दूसरा हो गया क्या, ही इज गिल्टी, खाली इतना जोड़ना है। देखो सिंपल सेंटेंस मैंने लिख दिया, हिज साइलेंस प्रूव दैट ही इज गिल्टी, राम सेड दैट ही इज अमोक, इसी तरह हम सेंटेंस बनाते हैं। सर इसी की थोड़ा डिफिकल्ट लेवल में बनाएंगे तो इसको ऐसे बना सकते हैं, द फैक्ट दैट ही इज साइलेंट प्रूव्स ही इज गिल्टी, इसका मतलब है ये थोड़ा टेढ़ा सेंटेंस है, तो मेरे हिसाब से आपको यही मारना चाहिए, दिस इज द बेस्ट सेंटेंस एवर, हिज साइलेंस प्रूव दैट ही इज गिल्टी, ये सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। थैंक यू, ये था सिंपल से कंपाउंड कुछ डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन, ताकि आपको पूछे और आप बनाएं। मैं बताता हूँ इसी से डायरेक्ट कॉपी करेगा, आप थोड़ा इसको क्वेश्चन को बढ़िया से देख लीजिएगा। धन्यवाद आप लोग को, और मेरा फेसबुक पेज फॉलो करना ना भूले। आज से मैंने उसमें क्वेश्चन डालूंगा, कल क्या डिस्कशन करने वाले हैं उसी का बारे में। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।